नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। एसएससी जेई 2024 की तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। अब नोटिफिकेशन से रही बात, तो यार नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं, आना था पर थोड़ा डिले होता जा रहा है, और आचार संहिता लग चुकी है। तो क्या इस आचार संहिता के अंदर एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आएगा, इसके बारे में फुल प्रूफ अच्छे से बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भाई आपके जो इलेक्शन के रिजल्ट भी आने हैं वो 4 जून को आने हैं, और एसएससी जेई ने तो पहले ही बोल के रखा था कि भाई हम इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन कराएंगे वो आपकी 4 जून के आसपास कराएंगे। तो क्या इसमें पोस्टपोन हो सकता है, चलिए इसको अच्छे से बात करते हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बाकी दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, और आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर लिखें, पर पूरा वीडियो जरूर सुने पहले। एसएससी जेई 2024 की हम बात कर रहे हैं, बट यदि हम थोड़ा पहले जाते हैं 2019 में, भाई उस समय पे आचार संहिता 10 मार्च से लग चुकी थी, ओके। और यदि मैं बात करूं एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो देखिए 22 अप्रैल 2019 को एक आपका सर्कुलर जारी हुआ नोटिफिकेशन से रिलेटेड, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 का, और उसकी यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, आप एग्जामिनेशन को अच्छे से देखेंगे ना तो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 जो है वो आपका 2/8/2019 6/9/2019 को कराया गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो आपका आचार संहिता के दौरान ही लगी हुई थी, 22/4/2019 से लेके 29/5/2019 में। अब आप खुद सोचिए कि उस समय तो आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला है कि यदि आचार संहिता के पहले यदि कोई सर्कुलर जारी किया हुआ और वो नोटिफिकेशन के बारे में बताया कि इस डेट तक हम दे सकते हैं, भले ही अभी डिले हुआ है पर देर में भी चांसेस कि जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अब रही बात एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यहां पे आप देख सकते हैं 4 जून को लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। अब देखो यार, एक बहुत बड़ा चुनाव है और बहुत बड़ा चुनाव होने के कारण बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा इंगेज रहते हैं उस समय पे, तो मतलब फुर्सत ही नहीं मिल। हमारे फैमिली में भी बहुत सारे गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं एंड वो भी बताते हैं यार बहुत हालत खराब हो जाती है, तो उस समय पे चांसेस थोड़े कम बन जाते हैं। पर देखो पॉसिबिलिटी यही है कि पोस्टपोन हो जाए, बट अपने दिमाग में जरूर 4 जून को सेट कर लीजिए। यदि डिले होता है तो उसमें बल्ले बल्ले भाई आपका प्रॉफिट ही है, पर यदि डिले नहीं होता है तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। बट देयर इज अ सम पॉसिबिलिटी इज कमिंग कि भाई आपका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो डिले हो जाए और जून की वजह जुलाई या सितंबर तक चले जाए, पर मेरे हिसाब से अनुमानित है आपका जुलाई तक एनी हाउ ले लेगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। और यदि हम बात करें कि भाई एसएससी जेई के लिए देखो एग्जाम तो होना बिल्कुल तय है, रेगुलर हुआ है हमेशा एग्जाम, बीच में हल्का डिले हुआ कोरोना टाइम के बाद। आप इस एग्जाम को तैयार करना चाहते हैं तो हमारे एसएससी जेई 2024 का इंद्रधनुष बैच ले सकते हैं 1299, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कुछ प्रॉपर वे में विद द वीडियोस, बार बार रिपीट करके वीडियोस देखिए, बार बार पीडीएफ्स देखिए, सब कुछ प्रॉपर वे में अवेलेबल है। आप आरआरबी जेई लेना चाहते हैं 1499, यूपीपीसीएल जेई लेना चाहते हैं 1699, पीएसपीसीएल जेई लेना चाहते हैं 1299, और विराट बैच लेना चाहते हैं तो 2799, और विराट बैच में सब कुछ इंक्लूड है। यदि आप वो परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पढ़ाई होना और उसमें कंटिन्यू लगे रहिए, उसमें कभी भी बिल्कुल डिले मत करिए। बाद में जब एग्जामिनेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, वो बिल्कुल अलकबल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, कभी ये सब्जेक्ट उठा रहे कभी वो, सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे ना तो प्रिपरेशन अच्छी होगी, अदरवाइज बहुत परेशान कर देती है तैयारी। सो सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, आपकी क्या राय है जरूर बताएं, और किस चीज पे वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लव यू ऑल, स्टे फोकस, स्टे काम, पढ़ाई पे डटे रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।